वालेकुम सलाम। आसिफ साहब कैसे हैं? व्यूअर्स देखें, अभी ये देखें, अभी मैं हल्का सा दूर हूँ और ये देखें, देखें वैरायटी देखो, कई शॉप से लेके आता हूँ मैं, अच्छे लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास। आसिफ साहब, आजकल हम कंट्रीज में घूम रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हर कंट्री की जो एक अपनी टीम है, जिसके सभी मुसाहिब आए हैं, उसके मुताबिक हम व्यूअर्स को कहें कि ये फलानी कंट्री का टाइम है। बेशक बनता है उसका मेन, उसका मालिक बेशक अमेरिका हो, अमेरिका का भी बताएं, जर्मनी में बन रहा है तो जर्मनी का बताएं, जापान में बन रहा है तो जापान का बताएं, एक ही नाम से जो मुख्तलिफ जगह पे टाइप बन रहे हैं। होता क्या है कि जब मैंने भी नया नया पहली दफा सुना था कि यार बूढ़े बूढ़े पत्थर अमेरिका का ब्रांड है, तो मुझे किसी ने जर्मनी का गया जो, मैंने कहा जाओ दो नंबर बात कर रहे हो, अभी कहाँ से उठा के लिया, ये तो अमेरिका का ब्रांड है। यानी नॉलेज में ही नहीं था कि ये जर्मनी में भी बनता है, पोलैंड में भी बनता है, और कंट्रीज में बनता है, हमारे बिल्कुल में नहीं था। हमने उसको दो दो नंबर का अफवाह देते करार दे दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा मेरी तरह इस तरह ना के उनको हम गाइड कर सके। आज कौन से मुल्क में लेके जा रहे हैं हम? सर आज तुर्की की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने रिसेंट वीडियो में अभी बात की थी आपसे, गुड ईयर जर्मनी, हाँ ये गुड ईयर जर्मन टायर है, जर्मन टेक्नोलॉजी का, तो सेम है, तो ये भी एक अमेरिकन ब्रांड है मगर जर्मनी सेम वे में 1995 में हमारे पास टायर अवेलेबल है, जो के मेड इन तुर्की है, ये तुर्की में बना हुआ है टायर, और इसका आप देख सकते हैं स्टैंप भी डिफरेंट है, और टायर की जो रबड़ है वो थोड़ी सी स्लाइटली जर्मन टेक्नोलॉजी से डिफरेंट रबड़ कंपाउंड होता है, ठीक है। तुर्की के टायर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है सर कि ये जो है ना पायदारी में बहुत फेमस है, तुर्की की रबर कंपाउंड पायदार होने में बहुत ज्यादा फेमस है। आप व्यू देख लीजिए कि कमर्शियल जितनी लोडर कार गाड़ियां पसंद लोडर गाड़ियां एल टी जी लेवल की आई एस है, इनके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो तुर्की का टायर डलवाते हैं। एक नासा ब्रांड आता है वो बड़ा फेमस है तुर्की का, वो तुर्की की तुर्की बेस्ड कंपनी है, पायदार होने की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। सेम वे में गुड ईयर, ये मेड इन तुर्की है हमारे पास, उसका मेड में लिखा होता है, ठीक लिखा होता है, अगर हम उसे रोशनी में ले जाए तो हमें नजर आ पड़ा है। ताकि व्यूअर्स को एक चीज क्लियर पता चले कहाँ है, ये नहीं कि व्यूअर्स को सुना है मेड इन तुर्की, अब ये क्लियर होगी बात। सेम वे में आप कोई भी टायर ले लो, उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है वो मेंशन होता है, ठीक है, और जो कंपनी बेस कहाँ की है ये उसके ऊपर डिटेल नहीं होती, मगर कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है वो उस टायर के ऊपर मेंशन होता है। इसकी माइलेज कितनी है सर? ये आपको 70-80,000 किलोमीटर तक दे देगा, वैसे कंपनी की रिकमेंडेशन होती है 80,000 किलोमीटर के ऊपर रिप्लेसमेंट। क्या प्राइस होगी? 18,000 हमारी पर्सनल गारंटी तो हो सकती है मगर कंपनी पीछे से उसको ऑन नहीं करती है, क्योंकि कंपनी ऑन नहीं करती तो फिर हम भी उसको ऐसे दे नहीं सकते गारंटी, क्योंकि टायर है यहाँ से रोड पे निकलते ही नया टायर, अगर सड़क के ऊपर कोई खराब चीज आ जाती है वो फिर दुनिया का कोई भी टायर है वो वहां पर रुकता नहीं, वो किसी लिए ना ही वो कंपनी मोस्टली कंपनीज नहीं देती, सिर्फ एक ब्रांड है मैनकेन ताइवान का, जिसका वारंटी अच्छा वारंटी देता है, अदरवाइज बाकी कोई भी ब्रांड है वारंटी देने के लिए तैयार। फिर अब दुकानदार बहुत सारे हमारे भाई हैं जो जिसकी कंपनी वारंटी दे रही है। अब मुझे पता है गुड ईयर बहुत एक्सीडेंट है, मतलब ये अगर चल रहा है खुदा ना खास्ता कोई इवेंट ऐसा नहीं होता, कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता जिसमें कोई हादसा शामिल हो तो टायर चलता है पूरी तरह, तो मैं उस बेस के ऊपर भी यहाँ पे बंद करके जो है वो वारंटी तो दे सकता हूँ।
इम्प्रूवमेंट हुआ रही बिल्कुल से कंपनी तो नहीं दे रही फिर मैं कैसे दे बहुत शुक्रिया सर अपनी शॉप का नाम है न्यू ग्लोबल टाइप सारी रोड